किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले जब जाति आधारित गणना हुई ही नहीं तो फिर सर्वेक्षण में जातियों के घटने बढ़ने का आरोप बेबुनियाद है। वहीं उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने आंकड़े देते हुए कहा कि राज्य में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 65% है, इसलिए इनका आरक्षण भी बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि जाति के साथ साथ आर्थिक स्थिति का भी सर्वे कराया गया था, जिसके आधार पर प्रदेश में 94 लाख परिवार अति गरीब पाए गए हैं। इन्हें 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा आवासहीन लोगों को जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए और घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। अब आप सोच लीजिए, कोई रोजगार नहीं उनके लोगों, बाकी लोगों के पास जो कुछ भी है, अब इतने लोगों के पास कोई रोजगार नहीं, तो उनको तो कुछ मदद करना है ना भाई। तो हम यही कह रहे हैं, एक चीज और कि आप उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, 2 लाख रुपए तक की राशि किस्तों में उपलब्ध करा देंगे, माने मुफ्त में उनको 2 लाख रुपया का मदद दिया जाएगा हर परिवार को, ताकि कोई कोई काम करो। दूसरी बात है कि 63,850 परिवार के पास रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं है, उन सभी को अभियान चलाकर आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उनको जमीन खरीदने के लिए 60,000 की जगह पर 1 लाख रुपया का हम लोग सहयोग दें सरकार की तरफ से, और घर उसको बनाने के लिए 1,20,000 रुपया दिया जाता है, 1,20,000 दे दिया जाएगा।